Everyone, welcome you all. So in this video we are going to see about thermodynamic state, process, point function and path function. ठीक है, तो state क्या है? State is nothing but it is the condition of the system. ठीक है, system की condition को हम क्या कहेंगे? State कहेंगे. What is system? पिछले video में हमने देखा what is system, types of systems, surrounding and boundary. ठीक है, तो state क्या है? System की condition. What does it means? ठीक है, अब हमारे पास एक gas है, ये piston cylinder arrangement है, cylinder के अंदर हमारे पास gas है. अब इस गैस का देखिए, फर्स्ट स्टेट पे देखिए, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेट पे हरी पास समझ में, यानी कि सिस्टम की कंडीशन है उसमें. अब गैस का टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, इसको हम क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे. अब ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अब हमारे पास क्या करें, हम उसको कंप्रेस कर दिए. ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको कंप्रेस कर दिए तो इसकी क्या करेंगे हम, इसका चेंज हो जाएगा, इसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा. अब वो स्टेट टू पे आ जाएगा जिसका प्रेशर टू रहेगा, वॉल्यूम टू रहेगा और टेम्परेचर टू रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिस्टन वो इधर आया, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, तो हमने क्या किया? देखिए, पहला स्टेट किसे कहते हैं? कंडीशन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम की कंडीशन, यानी कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना है, वो क्या था, स्टेट वन हो, उस पर हम ये देखें. अब हम क्या करें, इसको कंप्रेस कर दिए. कंप्रेस करने के बाद P1 से P2 होगा, V1 से V2 होगा, T1 से T2 होगा, यानी कि हम सिस्टम को क्या कर दिए? चेंज कर दिए. ठीक है, तो चेंज ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस. ठीक है, सिस्टम के चेंज को, सिस्टम की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे. ठीक है, कंडीशन का मतलब क्या, इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना है, वो क्या होगा? स्टेट होगा. यानी कि स्टेट को हम क्या, कंडीशन, सिस्टम को क्या कर दिया हम? सिस्टम की कंडीशन को चेंज कर दिया. आप कैसे करें? कंप्रेस करके, पहले P1, V1, T1 था, इसको कंप्रेस कर दिए, तो प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, इसको हम चेंज कर दिए. इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ द सिस्टम को हम क्या कहेंगे? प्रोसेस. तो वन टू टू क्या है, हमारे पास प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू के ऊपर गया. ठीक है, चेंज ऑफ द सिस्टम को हम क्या कहेंगे? प्रोसेस. रिमेंबर वन थिंग. ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, अब आएंगे हम पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के हिसाब से. फॉर एग्जांपल इसी कंडीशन को हम, मैं जनरल कौन सा पी वी टी एस डायग्राम है, मैं भी उन्हें बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको स्टेट क्या है और प्रोसेस, पॉइंट, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, अब मान के चलिए स्टेट मेरे पास वन है, स्टेट वन था, ये क्या है? स्टेट है. स्टेट बोल रहा हूँ मतलब क्या है, इस कंडीशन पे, कंडीशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि वन पे प्रेशर वॉल्यूम इतना था, यानी इसका पी वन, वी वन, टी वन था. अब हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, सिस्टम की चेंज, तो ये दूसरे स्टेट पे आ गया. तो वन टू टू ये क्या है मेरे पास? ये प्रोसेस है. तो इसका जो प्रेशर पी टू है, वॉल्यूम वी टू है, टी टेम्परेचर टी टू है. ठीक है, ये बात होगी. हमने क्या किया, दो स्टेट को क्या करा, हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करा, और वन टू टू क्या है, ये प्रोसेस है. ठीक है, अब पॉइंट फंक्शन इसे कहेंगे, ग्राफ पे जो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कंडीशन, फाइनल और इनिशियल पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट फंक्शन. ठीक है, इन ग्राफ वी रिप्रेजेंट पॉइंट एज ए पॉइंट फंक्शन. ठीक है, मतलब ये है कि देखिए, पॉइंट फंक्शन का मतलब ये है कि द सिस्टम रिप्रेजेंट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली, रैदर देन हाउ द सिस्टम हैज गॉन फ्रॉम वन टू टू. मतलब ये है कि सिस्टम जो है फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करता, इस पर डिपेंड नहीं करता कि अब स्टेट वन से स्टेट टू के ऊपर कैसे जा रहे. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, ये रूम है सब बोस. ठीक है, रूम का टेम्परेचर मान के चले T1 टेम्परेचर मेरे पास कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से. ठीक है, रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मैंने क्या किया, इस रूम को एयर कंडीशनिंग किया, एयर कंडीशनिंग करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर में ड्रॉप होगा, तो टेम्परेचर कितना हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड. फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर करें, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. अब मैं आपको पूछा कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो आप कैसा कहोगे, दोनों को माइनस करके बोल दोगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर. अब आप, मैंने आपको पूछा चेंज इन टेम्परेचर कैसा है, तो आपने सिर्फ फाइनल और इनिशियल वैल्यू को कंसीडर करें, रैदर देन हाउ द सिस्टम हैज गॉन फ्रॉम वन टू टू, इस पर आप कंसीडर नहीं करें. तो टेम्परेचर क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है. ठीक है, जो डिपेंड करता इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे. ठीक है, वैसे चेंज इन प्रेशर बोलो मैं आपको, ये भी क्या एक पॉइंट फंक्शन है, जो फाइनल और इनिशियल पे ही डिपेंड करता. वॉल्यूम भी क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता. ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन आपको समझ में आया, मतलब ये है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करना, रैदर देन हाउ द सिस्टम हैज गॉन फ्रॉम वन टू टू, इस पे हम डिपेंड नहीं करते. यहाँ पे आप चेंज इन टेम्परेचर, आप डायरेक्ट 15 बोल रहे, चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड इस पे नहीं करता कि आप कैसा इसको T1 से T2 लेकर आ रहे हैं. ठीक है, जस्ट चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये है कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया, दैट्स ऑल. तो टेम्परेचर क्या है हमारे पास, ये पॉइंट फंक्शन है. नेक्स्ट है पाथ फंक्शन.
पाथ फंक्शन वो है जो इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है हाउ यू हैव अचीव स्टेट वन टू स्टेट टू। ठीक है, तो हम इसमें ग्राफ में इसके एरिया को कंसिडर करते हैं, एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव द पाथ फंक्शन। इस नाम इज बता रहा हमारे पास पाथ का मतलब ये वे हाउ यू हैव अचीव दिस फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन जो है फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता। पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल है आपका वर्क, ठीक है, हीट, हीट एनर्जी, एनर्जी इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन। ठीक है, अब कभी वर्क नहीं बोलेंगे इनिशियल डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू ऐसा नहीं कह सकते, हीट भी नहीं कह सकते हम क्यू वन माइनस क्यू टू क्यू टू माइनस क्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हीट और वर्क क्या एक पाथ फंक्शन है, वो डिपेंड करते हैं कि हाउ द स्टेट हैज गॉन फ्रॉम हाउ द सिस्टम हैज गॉन फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। ठीक है, तो पाथ फंक्शन का मतलब ये है कि हम ग्राफ में एरिया को कंसिडर करते हैं, एरिया अंडर दिस वन टू पॉइंट विल गिव मी द पाथ फंक्शन। ठीक है, तो पाथ फंक्शन क्या है हमारे पास, वर्क है, हीट है। तो पॉइंट फंक्शन क्या है हमारे पास, जो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, ये हमारे पास के पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, थैंक यू।